हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी चैनल। दोस्तों, रोजाना मैली का डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 6 फरवरी 2019 की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी फ्लैग्ड ऑफ सुरक्षा यात्रा ए मोटर कार रैली फ्रॉम राजघाट इन न्यू दिल्ली टू कमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के राजघाट से एक मोटर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लॉन्च करने के लिए फ्लैग ऑफ भी एक कार्यक्रम का हिस्सा था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। भारत के कोयला मंत्रालय ने ऊर्जा मंत्रालय पोलैंड गणराज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। नेक्स्ट, द काला घोड़ा फेस्टिवल इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल बिगिन इन मुंबई टू सेलिब्रेट इट्स 20 ईयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर थ्रू सिनेमा थिएटर डांस लिटरेचर एंड स्कल्पचर। मनिक देवार इज द चेयरमैन ऑफ काला घोड़ा एसोसिएशन। काला घोड़ा महोत्सव भारत का सबसे बड़ा बहु सांस्कृतिक स्ट्रीट फेस्टिवल है, जो मुंबई में इसकी 20 वर्ष की कला और संस्कृति को सिनेमा थिएटर नृत्य साहित्य और मूर्तिकला के माध्यम से दर्शाने के शुरू किया गया है। मानिक डावर काला घोड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, द 6-डे लॉन्ग म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल सोपान 2019 टू एनकरेज यंग आर्टिस्ट टू टेक अप ट्रेडिशनल आर्ट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य कला परिषद एंड द न्यू दिल्ली गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC। युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में 6 दिवसीय संगीत और नृत्य महोत्सव सोपान 2019 आयोजित किया गया। इसका आयोजन साहित्य कला परिषद और नई दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट, केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप ए प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट PMRU टू ट्रैक वायोलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एजेंशियल ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस अंडर द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO। केरल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO के तहत आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई PMRU स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, शहरी समृद्धि उत्सव एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA एम्स टू एक्सटेंड द आउटरीच ऑफ दीनदयाल अंत्योदय मिशन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DANULM टू द मोस्ट वल्नरेबल शोकेस इट्स इनिशिएटिव्स एंड फैसिलिटेट एसेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG मेंबर्स टू द अदर गवर्नमेंट स्कीम्स।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल शहरी समृद्धि उत्सव का उद्देश्य इसकी पहलों में से दीनदयाल अंत्योदय मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM का पहला विस्तार करना है और जो अन्य सरकारी योजनाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप SSG के सदस्यों को सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अनयूल्ड इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFSC एट इसरो हेडक्वार्टर कैंपस इन बेंगलुरु कर्नाटका फॉर इट्स मैडन मैंड स्पेस मिशन गगनयान। द स्पेस फ्लाइट सेंटर वाज इनोग्रेटेड बाई के कस्तूरी रंजन फॉर्मर इसरो चेयरमैन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मानवीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो मुख्यालय परिसर में अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFSC का अनावरण किया। अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन द्वारा किया गया था। ये बात करते हैं बैंकिंग बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचारों की। टू रीजनल रूरल बैंक्स RRBs पलवन ग्राम बैंक एंड पंड्यान ग्राम बैंक विल बी मर्ज्ड टू फॉर्म द तमिलनाडु ग्राम बैंक एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। द इंटीग्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम April 1st। दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पलवन ग्राम बैंक और पांड्यान ग्राम बैंक का विलय कर दिया जाएगा और यह एकीकरण 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। नेक्स्ट, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन NBSC हैज रिलीज्ड खरीफ क्रॉप एस्टिमेशन फॉर द ईयर 2018-19। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द बासमती राइस प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 9.24% टू 5.18 मिलियन मैट्रिक टन्स। नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन NBSC ने वर्ष 2018-2019 के लिए खरीफ फसल अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार बासमती चावल का उत्पादन 9.24% घटकर 5.18 मिलियन मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट, फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी हैज एक्वायर्ड बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप KINT.io फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। एज पार्ट ऑफ द डील KINT.io फाउंडिंग मेंबर्स पवित्रा सोलाई जवार एंड जगन्नाथ विरगवन विल जॉइन द स्विगी टीम। फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने एक अघोषित राशि के लिए बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप KINT.io का अधिग्रहण किया है। समझौते के हिस्से के रूप में KINT.io के संस्थापक सदस्य पवित्रा सोलाई जवार और जगन्नाथ वीरा राघवन स्विगी टीम में शामिल होंगे। नेक्स्ट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज बोट ए 40% स्टेक इन माइक्रो फाइनेंसियर अन्नपूर्णा फाइनेंस फॉर 137 करोड़ रुपीज, रेनफोर्सिंग द बिलीफ दैट इंडियाज माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज ऑन कोर्स टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम ग्लोबल लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। एशियाई विकास बैंक ADB ने सूक्ष्म वित्त पोषक अन्नपूर्णा फाइनेंस में 137 करोड़ रुपए की 14% हिस्सेदारी खरीदी है। इस विश्वास को मजबूत करते हुए कि भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र वैश्विक उधारदाताओं और निवेशकों से लंबी अवधि के धन को आकर्षित करने के लिए है। आइए बात करते हैं रैंकिंग रिपोर्ट। आसाम ऑक्यूपाइड द टॉप स्लॉट इन द रैंकिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय स्टेट्स इन द बजट फॉर्मुलेशन अलाउड बाय आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा एज पर ए सर्वे बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वेक्षण के अनुसार असम ने बजट निर्माण में राज्यों द्वारा अनुकरण किए जाने वाले श्रेष्ठ कार्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है।
इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान है। नेक्स्ट, फिच सॉल्यूशंस द रिसर्च आर्म ऑफ फिच ग्रुप प्रोजेक्टेड द गवर्नमेंट्स फिस्काल डिफिट टू ओवरशूट द बजट टारगेट बाय 0.2% टू 3.6% ऑफ जीडीपी इन 2019-20 फिस्काल। फिच समूह की अनुसंधान शाखा फिच सॉल्यूशंस ने सरकार के राजकोषीय घाटे को 2019-20 के राजकोषीय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2% से 3.6% तक लक्षित करने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ केनरा बैंक पीवी भारती अज्यूम्ड चार्ज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द कॉरपोरेशन बैंक। पीवी भारती बिकम द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ द बैंक। भारती हैज बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक सिंस सेप्टेम्बर 2016 एंड सर्व्ड एज द फर्म्स जनरल मैनेजर इन द रिस्क मैनेजमेंट विंग। केनरा बैंक की पूर्व कार्यकारी निदेशक पीवी भारती ने कॉरपोरेशन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। पीवी भारती बैंक की पहली महिला सीईओ बनी। भारती सितंबर 2016 से केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक हैं और उन्होंने जोखिम प्रबंधन विंग में फर्म के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।